अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। इसे कहते हैं चोर मचाए शोर, आखिर इंसाफ की उम्मीद करे भी तो कैसे, जब खुद गुनहगार मुजरिम पुलिस थाने में जाकर हरिद्वार के मुस्लिम मौलाना के खिलाफ नफरती बयान को लेकर मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए जहां पुलिस के सामने तमाम वही लोग खड़े हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज को मारने काटने की बात को खुले मन से कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। 10 दिन का वक्त गुजरा बजाय इनकी गिरफ्तारी करने के, पुलिस इंतजामिया इनके साथ खड़ी है, कह कहे लगा रही है। यति नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी जो अभी प्रकाश त्यागी बना हुआ है, साध्वी अन्नपूर्णा जो पुलिस को कह रही है कि फैसले की जांच होनी चाहिए, तो यति नरसिम्हानंद कह रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में यानी हमारी हिमायत में होगा। पुलिस अफसर भी इन्हीं के साथ हंसता मुस्कुराता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अब यूपी से लेकर कर्नाटक त्रिपुरा तक मुल्क की कानून व्यवस्था किस दिशा में पहुंच चुकी है। बजाय ने गिरफ्तार करने के पुलिस तमाशाई नजर आ रही है। क्या वाकई अब इंसाफ दम तोड़ चुका है? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुल्क को अब शायद गृह युद्ध यानी खाना जंगी में तब्दील करने का फैसला मोदी योगी शाह जैसे आला कायदों ने कर ही लिया है। अब तो चाय वाले को देख गाय वाले को भी देखोगे जैसी इश्तेहारबाजी करने का भी दौर शुरू हो चुका है। मतलब अब तक मोदी को देखा, अब योगी को देखोगे, मतलब आने वाले दिनों में योगी को वजीर आजम बनाने का मंसूबा तो इनका नहीं होगा। लिहाजा तमाम इंतजामिया अदलिया पर भगवादारियों का कब्जा देखा जा रहा है। अब पुलिस अफसरों को इस तरह का रवैया इख्तियार करने पर इनकी मजबूरी कही जाए, इन्होंने अपने जमीर का ही सौदा कर लिया होगा। एक समाज की कत्लोगारतगिरी पर अड़े रहना, यहाँ तक महात्मा गांधी को भी भला बुरा कहना और फिर इस पर अड़े रहना, इसे यूं ही मामूली न समझा जाए। हालात बद से बदतर होने की तरफ मुल्क चल पड़ा है और ज्यादती की इंतहा यह है कि उल्टा हरिद्वार के मौलानाओं के खिलाफ भी फरियाद लेकर वो लोग पहुंचे हैं जिन पर पहले ही नफरती बयानबाजी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इन्हें इतना इत्मीनान है कि पुलिस इन्हीं के इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ 12 करोड़ के मर्सिडीज बेंज का सफर करने वाले देश के वजीर आजम छोटी सी वारदात पर भी ट्वीट कर वाहवाही बटोरने वाले खामोश हैं, जैसे इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। अकलेती कमीशन भी खामोश है, जहां दुनिया भर की मीडिया ने इन पर तंज कर अफसोसनाक कहते हुए मुल्क खतरनाक मोड़ की तरफ चल पड़ने की बात कही, लेकिन भारत की मीडिया, भारत की पुलिस इंतजामिया, तमाम अकलेती कमीशन, इंसानी हुकूक तंजीमें खामोश नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा पहलू जिस पर इससे पहले भी बारहा बात की है, मुसलमानों के लीडर, मुसलमानों के उलमा का रद्द अमल ऐसे देखा जा रहा है जैसे इन्होंने किसी और के बारे में कहा हो। अगर आज भी जुमा के बयान सुनेंगे तो लगता है कि अभी भी 50 साल पुरानी तकरीरें आवाम को सुनाई जा रही है। जब मुसलमानों के कत्ले आम का ऐलान खुले मंचों से किया जा रहा है तो किसी भी शहर में मामूली फरियाद तक मुस्लिम उलमा या मौलानों की जानिब से नहीं की गई। कहते हुए कुछ अजीब लगता है, लेकिन कहना जरूरी भी है कि उलमा मौलानाओं को कुछ कहने से कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। क्या वाकई अब भी बोलने का वक्त नहीं आया? आखिर किस ख्वाब गफलत में बैठे हैं, या फिर सब कुछ जानकर अनजान बनने का ढोंग कर रहे? समझ में नहीं आता। जब कुछ फिरका परस्तों ने मुल्क में खाना जंगी का इरादा कर ही लिया है और कत्लोगारतगिरी के ऐलान खुले मन से किए जा रहे हैं, बजाय इन पर कार्रवाई करने के मौलानाओं पर ही मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस थाने खुद मुजरिम पहुंचते हैं, तो इन मुल्लों का आवाज उठाने में क्या तकलीफ है? किस बर्बादी का इंतजार ये लोग कर रहे हैं? क्या संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहने की तक जुरत अब तुम्हारे अंदर बाकी नहीं रही? अफसोस तो इस बात का है कि जिन इल्मी रहनुमाओं ने अपने आप को आज भी महफूज समझ रखा है, सबसे पहले तो इन पर ही गाज गिरने वाली है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी जगह से कुछ भी आवाज नहीं उठ रही। अपने तौर पर कुछ बयान जमियत उलमा की जानिब से दिए गए, लेकिन ये काफी नहीं है। मुसलमानों में खास तौर से इस बात को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि ये कौम तब तक घरों से बाहर नहीं निकलती जब तक इनके सामने कोई मुसलमान नहीं होता। बाकी वक्त में तो ये अनजान बनकर खामोश रहते, पूरे मुल्क में कहीं से कोई आवाज नहीं। यति नरसिम्हानंद जैसे अधर्मी कुछ भी कहीं भी जो चाहे बकवास करते हैं। इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह रसूल पर कोई भी कुछ भी बोल जाता है और तमाम उम्मत जो अपने आप को जन्नत के ठेकेदार समझती है, इनके माथे पर शिखर तक नहीं होती। अफसोस का मकाम ही कह सकते हैं। सऊदी अरब की मुखालिफत में जितना वक्त हम गुजारते हैं उसमें से कुछ अगर वक्त यति नरसिम्हानंद और देश को तोड़ने वाले इन जैसे हिंदुत्ववादियों के बारे में नहीं बोलेंगे तो हमारा आने वाला मुस्तकबिल भी खतरे में रहेगा। लेकिन अफसोस के पूरे माशरे को कुछ फर्क पड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी तरबियत ही इस तरह की हुई है। क्या आपसे इख्तलाफात में पूरी सलाहियत झोंक देते हैं?
तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने पाबंदी आयद की, इस पर तबसरे सुबह शाम चलते रहेंगे, यहाँ तक कि मस्जिदों में बयानात भी इसी पर होंगे। पर जब धर्म संसद के नाम पर भारत के मुसलमानों की नस्ल कशी पर बोलने से इनके मुंह में दही जम जाती है। याद रखो, ये जो भी अधर्मी धर्म के नाम पर कह रहे हैं या कर रहे हैं, इससे मुल्क के संविधान आईने हिंद को सबसे बड़ा खतरा है। संविधान का चौथा सुतून कहलाने वाले मीडिया भी अब खून की होली खेलने की बात करते हैं। अब इस तस्वीर में देखें, जो सुदर्शन टीवी का एडिटर कहलाता है, ऐसा हथियार लिए खड़ा है जो सिर्फ भारतीय फौज के पास होती है। आखिर इस तरह के हथियार इनके पास आते कहां से? आपने इससे पहले भी देखा होगा कि फौज के अफसर कर्नल पुरोहित, जिसने मालेगांव धमाके में फौजी बारूद का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया था, बाद में जमानत पर रिहाई हुई, अलग बात है। मतलब आखिर कौन कौन से मोकमात में फिरका परस जहनियत दाखिल हो चुकी है? बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई पर भी राम मंदिर हक में फैसला भी फिरका परस्तों से मुतासिर होने की बात कही गई, लिहाजा बात आगे बढ़ चुकी है। इख्तदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिशें जोरों पर है। अकलेती समाज को बड़े ही सूझबूझ के साथ अपने जिंदा होने की दलील देनी होगी। वक्त काफी नजदीक है महदूद मजहबी दायरों में ही बहस मुबासे से बाहर निकलकर मौजूदा हालात पर खुद मुस्लिम समाज को बोलना होगा। विपक्ष ऐसे खामोश है जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। इसी तरह का रवैया इनका देखा जाता है। खुलेआम हथियार लहराना, खून खराबा, कत्लोगारत गिरी अब गोया हर रोज की खबर बनती जा रही है। खुद को साध्वी और स्वामी कहलाने वालों ने उग्र हिंदू राष्ट्र के लिए उभरते हुए आने वाले इंतखाबात में मजहबी ध्रुवीकरण के जरिए जहरीली नशोनिशात का इकदाम किया है। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, दोनों ही जगह जमीनी सतह भाजपा के लिए माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ नुकसान बड़ा हो सकता है, लोगों में नाराजगी बड़े पैमाने पर। ऐसे में हिंदू खतरे में है का जाप करके तमाम मुद्दों को पीछे ढकेलना और इसी तरह धर्म संसद के नाम पर जहनों को मुंतशिर करना, अब यही रास्ता इनका रह गया है। लेकिन क्या हर बात को इसे साजिश कहकर खामोशी कहां तक सही है? अब तो मुसीबतें खुद मस्जिद तक चलकर आ रही हैं। मुसलमानों के कत्लेआम पर बोलने वाले मौलानाओं पर भी भड़काऊ बयानात का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि बेचारे इमाम जुमा के बयानात में वजू और गुसूल की फराइज पर ही अटके हुए हैं। लेकिन इतना याद रखना है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, आपको आवाज उठाना होगा इस संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए। वरना तो यह धर्म सियासी इख्तदार हासिल करने के लिए तुम्हारी इबादत गाँव में भी दाखिल हो सकते हैं और तुम हिकमत और साजिश के दलाइल पेश करते रहो। जरूरत है अपने गुलाम जहन को आजाद करने की। मुल्क के संविधान ने सभी को बराबर का हक दिया है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो जौंक यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बड़ा अजीब मामला है, बेलगाम और रियासत के मुख्तलिफ जगहों पर रात का कर्फ्यू तो जारी किया हुआ है, लेकिन गोवा का जश्न मनाने के लिए गोवा को खुला छोड़ दिया गया है। अब दोनों तरफ भी भाजपा की ही हुकूमत है, लेकिन अब थोड़ा आवाम भी सोचने पर मजबूर हो रही है, क्या वाकई कोरोना ओमिक्रोन भीड़ देख कर आता है, या हुकूमतों ने अगर सोच लिया है कि फलां जगह पर कोरोना आ सकता है और वहां कर्फ्यू लॉकडाउन की जरूरत है तो वो लगाया जा सकता है। अब इसे क्या कहा जाए कि भीड़ की जगह पर अगर कोरोना फैलता है तो नए साल के जश्न में लाखों लोग गोवा इसी काम के लिए तो जाते हैं, लिहाजा अब कमाई का जरिया भी गोवा हुकूमत के लिए है, तो यह खुला रखने का फैसला लिया गया। वैसे भी बाहरी मुल्कों से सैलानियों की तादाद लाखों में रहती है, कुल मिलाकर अगर वाकई कोरोना या नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से आवाम की जान को खतरा है, संजीदगी से गोवा में भी पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, लेकिन गोया वहां करोड़ों की आमद गोवा हुकूमत को हो सकती है, तो जाहिर है पाबंदी का सवाल ही नहीं उठता। अब नया शगुफा यह है कि अगर गोवा में नए साल का जश्न मनाने में शरीक होना चाहते हो तो आरटीपीसीआर या दोनों डोज की सख्ती होगी। आपको यह भी ताज्जुब लगेगा कि इस तरह जितने भी फरमान हुकूमतों की जानिब से जारी किए जाते हैं, महज जुमलों के तौर पर ही देखा जाए तो गलत ना होगा। बेलगाम में अधिवेशन रखा गया था, आरटीपीसीआर या दो डोज का नारा यहां भी लगाया गया था, लेकिन 10 दिनों में एक भी दिन किसी भी गेट पर किसी तरह की तफ्तीश नहीं देखी गई, सिर्फ दाखिल होने का पास पूछा जाता है। मतलब ये शगुफे वक्तन फवक्तन छोड़ जाते हैं। ओमिक्रोन को लेकर माहौल बनाने की कोशिशें तो की जा रही है, पर गोवा में आपको बहुत कम लोग मास्क पहने नजर आएंगे। हुकूमतों के ऐलानात को संजीदगी से लेना भी आवाम ने छोड़ दिया है, क्योंकि खुद नेता लोग ही अमल नहीं करते। अब पूरे उत्तर प्रदेश की रैलियों में खुद अमित शाह ने कहीं पर भी मास्क नहीं पहना। क्या महज आवाम को डर खौफ के साए में रखने के लिए ओमिक्रोन है क्या? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। लिहाजा गोवा में नए साल का जश्न की आजादी में लाखों लोगों की शिरकत और बेलगाम में नाइट कर्फ्यू से लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। कन्नड़ मराठी तनाजा अभी भी जारी है। आज कन्नड़ कायद वाटाल नागराज की क्यादत में चन्नम्मा सर्कल में एहतजाज किया गया और एमएस पर
पाबंदी लगाने की मांग की गई। वाटाल नागराज ने समिति और शिवसेना के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग करते हुए इसी पाबंदी के मद्देनजर 31 दिसंबर को कर्नाटक बंद को कामयाब करने का अजम जाहिर किया। वहीं दूसरी तरफ एमएस और दिगर मराठी नौजवानों को आज अदालत में हाजिर किया गया। वाज़ रहे आज इन पर राजद्रोह की दफा लगाई गई 124A। ये दफा लगाने से अब जमानत जल्द मिलना मुश्किल हो चुका है। बेंगलोर के सदाशिव नगर में शिवाजी महाराज के पुतले की तौहीन के बाद बेलगाम शहर और त्राप में इसका असर देखा गया। बोगारवे चौरस्ते पर एहतजाज किया गया, जिस वक्त पुलिस की जीप पर भी हमला किया गया। इसी के मद्देनजर कुल 38 नौजवानों पर कार्रवाई की गई, 23 फरार जाहिर किए गए। कुल 9 मुकदमे दायर किए गए, जिसमें 7 खड़े बाजार, 1 कैंप पुलिस थाना और 1 मार्केट पुलिस थाने में दर्ज किया गया। अदालत में इनकी पेशी पर काफी भीड़ देखी गई। ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಜೈವಾಗಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಜೈವಾಗಲಿ ಜೈಜಿಸಿ ಎಂಎಸ್ ಜೈಜಿಸಿ ಜೈಜಿಸಿ ಎಂಎಸ್ ಜೈಜಿಸಿ ಎಂಎಸ್ ಜೈಜಿಸಿ ಜೈಜಿಸಿ ಎಂಎಸ್ ಜೈಜಿಸಿ ನಾಡ ತೋಯ ಭಾರತ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ 31 ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋಗಿದೆ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದುವರೋಣ ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಮರಾಠಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗಡಿನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಟರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ नदाब पिंजर सोसाइटी के खिलाफ सोसाइटी में अपने रुपए जमा करने वालों ने सोसाइटी के चेयरमैन और मैनेजर पर रुपये न लौटाने का इल्जाम लगाते हुए रुपये लौटाने की मांग की। हासिल इत्तला के मुताबिक पिछले कई सालों से दरबार गली में नदाब पिंजर क्रेडिट सोसाइटी है, जहां कई सारे लोग रोज पिग्मी के जरिए या फिर डिपॉजिट की शक्ल में रुपये जमा करते रहे, लेकिन पिछले लॉकडाउन से सोसाइटी को बंद कर दिया गया, जिसमें कई सारे लोगों के रुपये फंसे हुए हैं। लिहाजा कई बार चेयरमैन और मैनेजर को पूछने पर भी रुपये देने में आनाकानी करने का इल्जाम तमाम सोसाइटी के ग्राहकों की जानिब से लगाया गया। शिरस्तेदार जानकी के जरिए डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए रुपये लौटाने की मांग की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हम आज डीसी साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हमारा एक सोसाइटी है दरबार गली में, नदाफ पिंजर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो कि उसके चेयरमैन साहब बैंक का जो लोगों का आवाम का पैसा जो जमा के लिए है, वो आवाम का पैसा उन्होंने रिटर्न करने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 1.5 साल हो गया, कोरोना के नाम पे फ़ायदा उठा के लोगों को डॉज कर लेते जा रही, आश्वासन दे लेते जा रही, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है एक लोग को 1 लाख मिलता है, दूसरे लोगों को दूसरा मिलता है, तीसरे लोगों को ऐसा तीसरा मिल के सब लोग मिल के डॉज करके जा रही। आवाम का पैसा क्या है सो इन्हों देना, और इन्हों अपने अपने धंधे में मस्त है, अपना अपना बिजनेस चला ले को मस्त अपने अपने काम धंधे बराबर आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं पीछे से जा रहे हैं। उन्हों आवाम का पैसा का इनको दर्द नहीं है, आवाम मेरे भरोसे पे पैसा भरी है और 20 साल से मैं इनका पैसा भर को बैंक में जमा हूँ, इनके घर तक ले इनका डिपॉजिट वापस करके लेके जाकर इनको पहुँचाई हूँ। हाँ, मैं पिग्मी कलेक्टर तकरीबन 20 साल से हूँ, तो इनको अब 20 साल में कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब ये ऐसा मोमेंट आ गया है कि इन्हों क्या करें मालूम नहीं इन्हों बैंक में। आवाम का पैसा देने का सिरा सो अलग अलग बात हम बोल रहे हैं, अलग अलग लोगों को नसीहत कर रहे हैं, बहका रहे हैं, उनका मन बहका को ये कर को लेकर जा रहे हैं। तो क्या है डीसी साहब, इस पर एक्शन लेना, एक्शन ले को पब्लिक का पैसा, उनका आवाम का पैसा है नहीं, उनका हक हलाल का पैसा है, उनको वापस पहुँचाना। मेरा जो तकरीबन 10 में मेरे कस्टमर का 10 लाख रुपये पिग्मी 10-12 लाख रुपये पिग्मी में बैलेंस है, और FD में कम से कम 1-12 लाख रुपये बाकी है, और मेरा पर्सनल पैसा भी मैं जो घर बेच के अपना पैसा दिया हूँ, मेरा पैसा भी अटक को बटक, क्यों बोलते मेरे भरोसे पे पब्लिक भरी थी, मैं अपना घर बेच कर पब्लिक को पैसा आधा क्लियर कराऊँ, तो मेरा भी पैसा क्या है सो वापस देना है। वो भी मेरा 40 लाख रुपये को घर बेचूँ, 40 लाख को घर बेचूँ, जो मेरी बेटी की शादी के ऊपर पैसे रखा था मैं, वो भी पैसे लेकर को उनको कस्टमरों को क्लियर करूँ, नाम नहीं खराब होना बोलूँ, तो उसमें कौन क्या कराए देख लेना उन्होंने,
और मेरा पैसा मुझको वापस देना, पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस देना। और ये पुलिस स्टेशन में हमें इसके बारे में 3-4 बार कंप्लेंट भी दिए थे सब कस्टमर मिल को, अलग 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 कुछ एक्शन नहीं हो रहा। तो आज हम डीसी साहब के सामने मेमोरेंडम देने आए हैं, क्या हमारा ऐसो मेमोरेंडम ले को ऐसो इसमें मामले में इन्वॉल्व होना और क्या ऐसा पूरा मैटर क्लियर करके देना। हम नदाफ पिंजर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इनका नाम है, दरबार गली में है, 21 ब्रांच है, 20 साल से बेहतरीन चल रहा था, मैं भी वहाँ 20 साल से ही था। और जो है उसका चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक नदाफ, तो मोहम्मद रफ़ीक नदाफ, शाहरुख दस्तगीर साहब नदाफ डायरेक्टर, और शरीफ मोहम्मद शरीफ नबी साहब नदाफ, इन्हों भी डायरेक्टर हैं, बाकी और 2-3 लेडीज़ हैं उन्होंने भी डायरेक्टर हैं, बाद में बाकी के